राधे राधे दोस्तों। दोस्तों जीतिया व्रत 6 को है या फिर 7 को, 6 या 7 को कब रखा जाएगा जीतिया व्रत, जाने नहाए खाए से पारण तक की पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में। पूर्वांचल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने वाला जीतिया पर्व ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह संतान के लिए रखा जाता है, ऐसे में आइए मिलकर जानते हैं इस बार ये व्रत कब रखा जाएगा। पूर्वांचल में कई ऐसे व्रत त्योहार मनाए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है जीतिया व्रत। जी हाँ दोस्तों, जो संतान की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के मुताबिक माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह कठिन व्रत रखती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल किस दिन रखा जाएगा जीतिया व्रत और कब है इसका पारण। इस साल कब रखा जाएगा जीतिया व्रत? हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार ये तिथि 6 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक रहने वाली है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में इसकी डेट को लेकर कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। हिंदू धर्म में उदया तिथि के हिसाब से, जी हाँ उदया तिथि के हिसाब से व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे में ये व्रत 6 तारीख दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन पितृ पक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाएगा। अब बात करते हैं कि किस दिन होगा नहाए खाए और फिर पारण। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत सप्तमी तिथि पर नहाए खाए की परंपरा से शुरू होती है और अष्टमी में निर्जला व्रत रखा जाता है। इसके बाद नवमी तिथि पर पारण के साथ इसका समापन किया जाता है। नहाए खाए 5 अक्टूबर को होगा। जीतिया का जो व्रत होता है वो 6 अक्टूबर को और व्रत का पारण 7 अक्टूबर। जीतिया में किस भगवान की पूजा की जाती है, ये क्वेश्चन और ये सवाल मुझसे बहुतों ने पूछा है। जो माताएं, जो बहनें पहली बार रखने जा रही हैं, खास करके उनको ये लालसा होती है, उनको ये जानकारी नहीं होती है कि जीतिया में आखिर किस भगवान की पूजा होती है। तो ये वीडियो आप देखिए और मैं आपको बताऊंगी कि जीतिया व्रत में किस भगवान की पूजा की जाती है। दोस्तों जीतिया व्रत में भगवान कृष्ण से जुड़ा व्रत है। ध्यान दीजिए, ये कृष्ण जी से जुड़ा व्रत है। जिमुद वाहन भगवान की प्रतिमा की पूजा अर्चना की जाती है और फिर संतान की लंबी उम्र और उनके स्वास्थ्य की कामना की जाती है। उम्मीद करती हूँ ये छोटे से वीडियो में आपको जीतिया व्रत की सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अध्यात्मिक कहानियां।